ये मछली सोने के अंडे देती है। एक किलो के लिए 8000 यूरो तक पहुंच जाती है। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं ये सब मछली का अंडा है, ये इतना महंगा क्यों है? काला सोना, जिसे साफ करके और उसमें नमक डालकर 2 हफ्ते के लिए छोड़ देते हैं, यही कैस्पियन सागर है, स्टर्जन मछलियों का प्राकृतिक स्रोत। लेकिन इन मछलियों के विलुप्त होने के कगार पर पहुंचने के बाद इसमें वैश्विक रूप से मछलियां पकड़ने पर रोक लगा दी। इसकी वजह से दुनिया ने फिश फार्मिंग की ओर रुख किया। अमीरों का स्वाद, आखिरकार मुझे इसे चखने का मौका मिल गया। इसी वजह से रूसी और ईरानी कैवियर सबसे अच्छे प्रकार के कैवियर थे। इस समुद्र के कारण दुनिया के ज्यादातर लोगों ने इसे पहले कभी नहीं खाया होगा। तो आपका फार्म यहाँ पहाड़ों के बीच में है? ये बिल्कुल जंगल के बीच में है। मेरा मतलब है कि लोगों को नहीं पता कि यहाँ आना कैसे है। यहाँ पर दुनिया की सबसे महंगी मछलियाँ हैं। चलो चले। तो मैं आपको वहाँ ले जाना चाहता हूँ जहाँ मछलियाँ हम पैदा करते हैं, जहाँ से बच्चे शुरू होते हैं। यहाँ आपके पास कितनी मछलियाँ हैं? हमारे पास लगभग 30,000 मछलियाँ हैं। यहाँ इनके पास 30,000 मछलियाँ हैं। वाह, ठीक है, इसकी शुरुआत यहाँ से होती है, इस छोटी मछली से। ये लगभग 6 महीने की है। स्टर्जन? ये सब स्टर्जन है और हम 10 से 15 सालों तक इनका इंतजार करते हैं, वास्तव में उस स्तर तक पहुंचने के लिए जो हमें चाहिए। ओ, आप इन्हें पकड़ सकते हैं? हाँ। ठीक है, कोई हड्डियाँ नहीं है। देखिए फिश फार्मिंग की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है। ये स्टर्जन मछली है, आपको पता है ये डायनासोर के समय से धरती पर है। देखिए यहाँ इन्हें कैसे बड़ा किया जाता है। हर टंकी में ज्यादा बड़ी स्टर्जन मछलियाँ हैं। मादा गर्भवती होती है और उसके बाद उसे काट कर उसमें से कैवियर निकालते हैं। ये सफेद वाली है? हाँ यही है। ये मछली सबसे महंगी है। इस मछली से मिलने वाले कैवियर की कीमत $70,000। ये अल्बिनो मछली है। हाँ, ये अल्बिनो है। सोचिए ये कितनी दुर्लभ है। बहुत दुर्लभ। तो 10,000 स्टर्जन में से एक अल्बिनो हो सकती है। और आपके पास ये है? हाँ, हम भाग्यशाली हैं। ये बहुत महंगी है और हमारे एक ग्राहक हैं जो इन सबको खरीदते हैं। एक ग्राहक? क्या बताना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे यकीन आपको पता होगा कि वो कहाँ से है। 8,000 यूरो प्रति किलो। मुझे नहीं पता मैं $8,000 अपने मुंह में डालकर इसे कैसे खा सकता हूँ। स्टर्जन वो मछली है जिससे कैवियर निकाला जाता है, जो इसके अंडे हैं। इस मछली को धरती पर सबसे पुराने जीवों में से एक माना जाता है, क्योंकि ये डायनासोर युग से भी पहले धरती पर मौजूद थी। ये कितने सालों से यहाँ पर है? इन्हें 5 साल हो चुके हैं। 5 साल और उन्होंने अभी तक कैवियर नहीं दिया? अभी नहीं। ये यहाँ 5 साल से है और इन्होंने अभी तक कैवियर नहीं दिया। ये शायद दुनिया का सबसे महंगा फार्म है। मैंने इसे पहले कभी नहीं खाया। ये लगभग कैवियर देने के लिए तैयार है 10 साल इंतजार करने के बाद। केवल अमीर और खानदानी लोग इसे खाते हैं। राजा महाराजा भी इसे खाते थे। ये खूबसूरत मछलियां हैं, ये शानदार हैं। आपको कैसे पता चलता है कि अब ये कैवियर देने के लिए तैयार है? हम इनका अल्ट्रासाउंड करते हैं। हमें इन्हें हर 3 महीने पर निकालना पड़ता है और इनका अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है, उसी तरीके से जिससे डॉक्टर पता करते हैं कि कोई औरत गर्भवती है या नहीं। हम मछलियों पर भी वही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। अब समुद्र में स्टर्जन नहीं मिलती है, क्योंकि हमने उनका शिकार करके सचमुच उनका अस्तित्व ही खत्म कर दिया। कभी कभार आपको कोई एक मिल जाती है, लेकिन अगर आप इसे पकड़कर मार डालते हैं और इसे बाहर ले जाते हैं तो आपको 15 से 20 सालों की जेल हो जाती है। हम कहाँ जा रहे हैं? तो ये हमारे फार्म का राज है। ये पानी झरने से आता है, इसके बाद पानी बहकर प्राकृतिक तरीके से हमारे फार्म में जाता है। ये सारा पहाड़ का पानी है। लेकिन इससे पहले कि हम इसका अंडा निकालते, जो कि कैवियर है, मुझे इसे अपनी जिंदगी में पहली बार आजमाना था। हम साइगोन वियतनाम के सबसे आलीशान रेस्टोरेंट में से एक में गए। तो दोस्तों, हमारे पास 2 अलग अलग तरह के कैवियर हैं, तो असल में इसे ही हम काला सोना कहते हैं। कैवियर को ऐसे खाया जाता है, इसे गर्म होने दीजिए, ऐसा लगता है जैसे समुद्र जाके समुद्र से मिल गया हो। ये मक्खन जैसा है? हाँ, ये मक्खन जैसा है। हाँ, इसका स्वाद अजीब है। ये मक्खन और समुद्र जैसा लग रहा है। मैंने अभी अभी $3,000 खाए हैं। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं ये सब मछली का अंडा है, ये इतना महंगा क्यों है? खैर, जरा सोचिए, आप एक शवरमा रैप ऑर्डर करते हैं और वो इसे 5 मिनट में तैयार करके आपको दे देते हैं। हाँ, ये सब कुछ डॉलर में मिल जाता है। आप इसके आने के लिए वास्तव में 10 से 20 साल इंतजार कर रहे हैं। वाह दोस्त, मैं बहुत अमीर महसूस कर रहा हूँ। हाँ ऐसा है, अब मैं रचनात्मक महसूस कर रहा हूँ। कैवियर के साथ आलू। इसका स्वाद तेज है, समुद्र का स्वाद, अमीरों का स्वाद। आखिरकार मुझे इसे आजमाने का मौका मिल गया। आपको पहले अमीर बनना होगा, उसके बाद कैवियर खाएं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने सागर खा लिया हो। मैंने सागर को निगल लिया है। इस वक्त मैं सागर में गोते खा रहा हूँ।
इससे अमीरों को खुशी मिलती है। देखिए, ये हमारा बेलुगा कैवियर है। आप सिर्फ रंग से बता सकते हैं। ये समुद्र के मक्खन की तरह है। अब हम बेलुगा कैवियर खाने वाले हैं, जिसके एक किलो की कीमत $12,000 है। ये बेलुगा कैवियर है, ये बेलुगा कैवियर है, काला सोना। दोस्तों, कैवियर का वक्त आ गया। आपको पता है, हम यहाँ बस मछली काटने का सीन देखने आए हैं। मछली काटने के सीन को शूट कर पाने के लिए हमने बहुत पैसे दिए हैं। सच कहूं तो अगर आप मुझसे पूछें कि मैं इसे दोबारा खाऊंगा या नहीं, तो नहीं, मैं इसे दोबारा कभी नहीं खाऊंगा। इसने अभी अभी बच्चा दिया है। ये कैवियर है, ये लगभग $3,000 का है। ये एक किलो कैवियर है। हम इसे बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों, कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस वीडियो को शूट करना आसान नहीं था। एलिट लोगों, मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपने इसे कभी खाया है या नहीं। ये इसे साफ करके और उसमें नमक डालकर 2 हफ्ते के लिए छोड़ देते हैं। ये कैवियर है।